India's first underwater tunnel. So ये रहा CSMT स्टेट डबल डेकर मिली है, एक वन ऑफ द ओल्डेस्ट चर्च है मुंबई का। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो है मुंबई की जो गेटवे ऑफ इंडिया है और जो मुंबई के प्लेसेस है वहाँ पे आप कैसे पहुँच सकते हो। सो अभी मैं फिलहाल हूँ लोकल ट्रेन में, जैसा कि आप देख सकते हो ये रहा सामने CST स्टेशन। तो अभी हम CST स्टेशन पहुँचने ही वाले हैं। ये रहा कुछ ऐसा नज़ारा है यहाँ पे CST का, CSMT स्टेशन इसको कहा जाता है। पहले CST था, बाद में इसको चेंज करके CSMT कर दिया गया है। इसका पूरा नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, एज यू कैन सी। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस CSMT खूबसूरत विक्टोरिया गॉथिक इमारत एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और भारत के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन में से एक है। CSMT स्टेशन का निर्माण 1887 में क्वीन विक्टोरिया की गोल्डन जुबली के उपलक्ष में किया गया था। सो आपको यहाँ से जो है बाहर निकलना है और यहाँ पे राइट हैंड साइड में आपको बसेज मिल जाएगी गेटवे ऑफ इंडिया के लिए। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आपको यहाँ पे बस तो मिल जाएगी, यहाँ से सामने बस मिल जाएगी, लेकिन फिलहाल मुझे लगी है भूख खाने के लिए। तो यहाँ पे आपको जो दिख रहा है सारे के सारे खाने के शॉप होते हैं, यहाँ पे आपको सस्ता और अच्छा क्वालिटी का खाना मिल जाएगा। हर दिन 3 मिलियन से भी ज़्यादा लोग CSMT से गुजरते हैं जो इसे मुंबई की जीवन रेखा बनाता है। यह स्टेशन सिर्फ ट्रांजिट पॉइंट ही नहीं बल्कि मुंबई के इतिहास और वर्तमान की जीवित कहानियों को भी सुनाता है। तो हम लोग यहाँ से आए थे, तो आपको यहाँ पे आपको गेटवे ऑफ इंडिया की बस मिल जाएगी। ये रही उसकी लाइन, देखो यहाँ पे बस नंबर भी लिखा है 116। ये रही गेटवे ऑफ इंडिया की बस, हमें डबल डेकर मिली है एज यू कैन सी। सो ये रही डबल डेकर बस, कुछ ऐसी है। इससे पहले जो बस गई थी वो थोड़ी छोटी थी और पूरा दबा के लेके गए थे अंदर। तो याद रखना यहाँ पे लाइन लगती है। ये देखिए लोग यहाँ से अंदर चढ़े हैं। ये रहा टिकट जो मुंबई CSMT स्टेशन से गेटवे ऑफ इंडिया के लिए जाते हैं, 6 रुपये पर पर्सन है। यहाँ पर बाहर टिकट निकलते हैं, जो लाइन में लगते हैं वहीं से टिकट लेना शुरू करते हैं। जैसे ही गाड़ी आती है सब अंदर में जाते हैं। तो आप देख सकते हो गाड़ी निकल गई यहाँ से। तो हम यहाँ से आए थे बाहर, तो अभी हमारी बस जो है निकल चुकी है, आप देख सकते हो। क्वाइट गुड एक्सपीरियंस है डबल डेकर बस, फुल्ली एसी है। बहुत सारी जो मूवीज है वो यहीं पे शूट, वो यहीं पे शूट की गई थी एज अ कोर्ट रूम, आप देख सकते हैं। ये एक्चुअली ये लाइब्रेरी है, उसको एज अ कोर्ट दिखाया गया था बहुत सारी मूवीज में। हम जो है यहाँ पे उतर गए हैं, यहाँ पे आपको सामने दिख रहा होगा ओबेरॉय होटल और वहीं पे आपको गेटवे ऑफ इंडिया दिखेगा। हम थोड़ा पहले उतर गए, ये एक वन ऑफ द ओल्डेस्ट चर्च है मुंबई का। ये रहा ओबेरॉय होटल, इसके पीछे ताज होटल। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा गेटवे ऑफ इंडिया। सो एंट्री जो है यहाँ से,
हम जिस बस से आए थे वो डबल डेकर थी, इसलिए थोड़ा पहले ही उतार दिया था। अगर आप छोटे बस से आओगे तो मोस्टली यहाँ पे उतारते हैं बसेस सारे, और उसके जस्ट ऑपोजिट में आपको डेकर मुझे दिखाई देगा। यहाँ से उतर के आप सीधा यहाँ से अंदर एंट्री कर सकते हो। यहाँ पे जो सिक्योरिटी चेकिंग होती है, तो यहाँ से एंट्री करने के बाद ये रहा पीछे ओबेरॉय होटल, सामने गेटवे ऑफ इंडिया, और ये रहा ताज होटल। सो अभी बजने को आ रहे हैं ऑलमोस्ट 2 से 3 बजे, आई थिंक 2 या 3 बजे एलिफेंटा के लिए लास्ट बोट होती है। आपको यहाँ पे जो लोग खड़े होते हैं वो आपको टिकट निकाल के देते हैं। आप वहाँ पे जाओगे गेटवे ऑफ इंडिया के पीछे जो है मॉन्यूमेंट्स के पीछे भी आपको एलिफेंटास के लिए टिकट मिल जाएगी। और ये रही बोट, जैसा कि आप देख सकते हो सामने, ये रही। मुंबई का गेटवे ऑफ इंडिया सबसे फेमस टूरिस्ट प्लेस है। गेटवे ऑफ इंडिया को मुंबई का ताज माना जाता है। इस भव्य इमारत का इतिहास काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसका निर्माण अरब सागर के और समुद्र के किनारे अपोलो बंदर का क्षेत्र में 1911 में हुआ था। तब इंग्लैंड के राजा जॉर्ज 5 और उनकी पत्नी मेरी भारत आगमन पर थे। हालांकि केवल इसका मॉडल ही देख सके जो विंटर ने तैयार किया था। मॉडल के अनुसार इसका निर्माण 1924 में पूरा हुआ था। हालांकि इसकी नींव 21 मार्च 1911 में रखी गई थी, ताज होटल और ओबेरॉय होटल का सामने का व्यू दिखा रहे हैं। उसके सामने जो रोड जाता है वहाँ से तो एंट्री नहीं है, तो आपको वापस बाहर निकल के गेटवे ऑफ इंडिया से इस रोड को पार से देखना पड़ता है। ताज होटल का निर्माण जमशेदजी टाटा ने 1903 में कराया था, जो कि गेटवे ऑफ इंडिया से भी पुराना है। मुंबई के ताजमहल पैलेस एंड टावर को एशिया का सबसे प्रमुख होटल का दर्जा मिला है। बताया जाता है कि जमशेदजी टाटा जब वॉटसन होटल जाने की कोशिश की, जो उस समय ब्रिटेन के सबसे भव्य होटल में से एक था, उन्हें वहाँ पे प्रवेश से मना कर दिया गया क्योंकि होटल केवल गोरों लोगों के लिए ही था। बस तभी उन्होंने ठान लिया कि ऐसे होटल का निर्माण करेंगे जिसे भारतीय ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लोग भी देखते रह जाएंगे। उस समय ताज होटल के निर्माण के वक्त जमशेदजी टाटा को अपने परिवार में बहुत सारी दिक्कतें झेलनी पड़ी थी। ताजमहल होटल 104 साल पुरानी इमारत है। ताज होटल में कुल 565 कमरे हैं। कहा जाता है कि यहाँ पे एक चाय की कीमत 450 रुपये है और एक लग्जरी सूट की कीमत 40 से 45 हज़ार के बीच में है। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई के सबसे ज़्यादा फोटो खींचने वाले स्थलों में से एक है और इसकी वजह समझना आसान है। हिंदू और मुस्लिम वास्तुकला के तत्वों का यह एक मिला जुला डिज़ाइन मुंबई की सांस्कृतिक विविधता का प्रतीक है। यह सिर्फ एक ऐतिहासिक स्मारक ही नहीं बल्कि स्थानीय पर्यटकों के लिए एक जीवंत सभा स्थल भी है। यहाँ से एलिफेंटा गुफाओं के लिए आप फेरी ले सकते हैं। तो यहाँ से जो है गेटवे ऑफ इंडिया है, हमने रोड क्रॉस करके हम लोग ये साइड आ गए हैं। जैसे कि आप सब देख सकते हो यहाँ से जो स्ट्रेट रोड जा रहा है ना, उन लोगों को वहाँ पे जाना है। वहाँ पे जो बसेज है वो गिरगांव चौपा की मरीन ड्राइव के लिए वहाँ से आपको मिल जाएगी। चलिए सो पहले रोड क्रॉस करते हैं फिर वहाँ पर चलते हैं। सो यहाँ से जो हम लोग आए गेटवे ऑफ इंडिया रोड क्रॉस करके हम लोग यहाँ पे आए हैं। ये है मॉडर्न आर्ट गैलरी, इसके राइट हैंड साइड आपको मरीन ड्राइव के लिए और गिरगा चौपाटी के लिए बस मिल जाएगी। और इसी एग्जैक्ट सामने जो आपको दिख रहा है यह छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम है। इसके अंदर ऑलमोस्ट 3 से 4 फ्लोर है, जो आपको पूरा 3-4 घंटे तक आराम से आपका मन बांधे रखेगी। और इसके अंदर सबसे बड़ी खासियत जो है वो यहाँ पे आपको मम्मी दिखाई देगी। आप यहाँ पे मम्मी भी देख सकते हो।
हम लोग गेटवे ऑफ इंडिया से बस में चढ़ चुके थे, बहुत ज़्यादा बेटी इसलिए रिकॉर्ड नहीं कर पाया। तो अभी ये रहा बस 123 नंबर, बस नंबर जो है 123 है, उसमें चढ़े थे हम लोग। तो यहाँ पे आपको अभी हम ऑलमोस्ट नरीमन पॉइंट पहुँचने वाले हैं, दिखा देता हूँ। तो ये रहा सामने मरीन ड्राइव है, 123 बस नंबर है, पर पर्सन 6 रुपीज़ है, और आपको ये सामने जो है मरीन ड्राइव दिखाई देगी। ये वाला जो आखिरी छोर है, यहाँ से लेकर वहाँ गेट का चौपाटी तक इसका पूरा एरिया है। मरीन ड्राइव जिसे क्वीन नेकलेस के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ की स्ट्रीट लाइट्स रात में मोतियों की माला जैसी दिखती। मरीन ड्राइव वह जगह है जहाँ मुंबई वासी सुकून पाते हैं। यह 3.5 किलोमीटर लंबा दक्षिण मुंबई के तट के साथ फैला हुआ है, जो अरबी समुद्र का शानदार दृश्य प्रस्तुत करता है। यह टहलने, दौड़ने या सिर्फ बैठ कर सूर्यास्त का आनंद लेने के लिए एकदम सही जगह है। सो ये रही 123 बस नंबर। अभी हम बस से उतर चुके हैं, ये रहा सामने मरीन ड्राइव है, और ये जो आपको टनल दिख रही है, ये पूरी इंडिया की फर्स्ट टनल है जो कि अंडर वाटर टनल है। एज यू कैन सी, और ये रहा सामने मरीन ड्राइव पूरा, वहाँ पे जो है गिरगा चौपाटी है, और ये है इंडिया का सबसे पहला कोस्टल अंडर सी टनल, जो इंडिया का सबसे पहला समुद्र के नीचे से जाने वाला टनल है, जो कि 2-2 किलोमीटर यानी कि 2 किलोमीटर जाने का, 2 किलोमीटर आने का, टोटल 4 किलोमीटर का टनल है। सो ये रहा सामने जो है गिरगांव चौपाटी, और ये रहा बस स्टॉप। CSMT स्टेशन से आप यहाँ पे उतर के आ सकते हो, और आपको सामने गिरगांव चौपाटी दिखाई देगा, जो कि मरीन ड्राइव से होते हुए आपको यहाँ पे भी उतर सकते हैं। और यहाँ पे पूरा है खाने का, छोटे छोटे स्टॉल्स और होटल्स हैं, सब फूड मिल जाएंगे आपको यहाँ पर, सारे तरह के फूड मिल जाएंगे, चाइनीज़ से लेकर पाव भाजी, पानी पूरी से लेकर आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स, सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा। रात के समय में यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, अभी फ़िलहाल कम है, और आज हॉलीडे भी नहीं है, सो भीड़ थोड़ी कम है। एज यू कैन सी, धूप नहीं है, बारिश का मौसम है, इसलिए हवा भी ठंडी है। आगे का व्यू देखते हुए आराम से खाना खा सकते हो। पूरा वहां तक है, और यहाँ पे वहां तक है, जो वहां पे कोस्टल लाइन का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, उस वजह से थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा हिस्सा कम हो गया है, आई गेस। चटे डाल के आप आराम से बैठ सकते हो, 10-20 रुपये लेते हैं चटे के,
बीच पे लोग खड़े होते हैं, चटाई लेके आप यहाँ पे आराम से बैठ सकते हो। यहाँ के लिए बहुत ठंडी लग रही है, अच्छी लग रही है। फिलहाल ऑरेंज फ्लैग है, इसका मतलब हम यहाँ पे रुक सकते हैं, ठहर सकते हैं, लेकिन अंदर नहाने नहीं जा सकते, वरना आपको ये जो गार्ड्स है वो रोक देंगे। थोड़ा आगे जाके दिखा था। मरीन ड्राइव की यात्रा गिरगांव चौपाटी के बिना अधूरी है। मरीन ड्राइव आने वाले सभी पर्यटकों के लिए ये एक बेहतरीन जगह है, जो मुंबई के सबसे लोकप्रिय बीचों में से एक है। यहाँ आपको पाव भाजी और भेलपुरी जैसे स्वादिष्ट स्नैक बेचने वाले चाट स्टॉल से लेकर समुद्र की लहरें को मजा लेकर परिवार दिखाई देंगे। गिरगांव चौपाटी जीवन और रंगों से भरी हुई है। यहीं पर लालबाग के राजा का विसर्जन भी होता है। ये वाली लहर थोड़ी बड़ी है, बच गया। आप देख सकते हो लहरें थोड़ी बढ़ रही है। हम लोग वहाँ से होते हुए आए थे। ये जो आपको बड़ी बड़ी लाइट दिख रही है, ये मानकर स्टेडियम है, और हम लोग वहाँ से आए थे। और ये मैंने आपको जो दिखाया था पोस्टल रोड अंडर सी टनल। बारिश शुरू हो गई है, यहाँ पे देख सकते हो कितने जोरों के बादल दिख रहे हैं। वहाँ पे पूरा इलाका अभी दिखना बंद हो चुका है, बारिश धीरे धीरे यहाँ पे आ रही है। सो गाइस, इस वीडियो में बस इतना ही था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। सो आज के लिए बस इतना ही था, मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक लिए बाय। CSMT और गेटवे ऑफ इंडिया को ऐतिहासिक वैभव से लेकर मरीन ड्राइव और गिरगांव चौपाटी की शांति तक मुंबई का अनुभव बेमिसाल है। अगर आपको यह टूर पसंद आया तो लाइक बटन दबाएं, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि मुंबई का कौन सा स्थान आपका पसंदीदा है।